Trust me guys, you will be able to install Windows security patches if you have any type of error while installing Windows update. Yes, my dear friend, मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि sometime आप अपने Windows 7, 8, 10 मशीन को अपडेट कर रहे होते हैं और अपडेट के दौरान ही बहुत सारी एरर कोड को जनरेट करती है, या आप Google से भी कोई KV पैचेज यानी KV सिक्योरिटी हैसेज को अगर आप डाउनलोड करते हैं और मैनुअली इंस्टॉल कर रहे होते हैं टारगेट सिस्टम के ऊपर, तो विंडोज जो है वो उस पैचेज को इंस्टॉल नहीं कर पाती है और सम टाइम ऑफ कोड निकल के सामने आती है जो आपको ये बताती है कि विंडोज ड्यू टू दिस टाइप ऑफ रीजन इंस्टॉल नहीं हो सकती है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, विंडोज के कई सारी जो सिक्योरिटी पैचेज यानी केबी जो पैचेज होते हैं वो इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ SCCM सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर या WSUS विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस या कई सारी ऐसी थर्ड पार्टी टूल्स आते हैं जो विंडोज सिस्टम को पैच करने के लिए यानी अपडेट करने के लिए काम में लाए जाते हैं, लेकिन समटाइम्स वो ऑटोमेटिक टूल के द्वारा भी जो है विंडोज की कई सारी पैचेज इंस्टॉल नहीं हो पाती है, विंडोज के अंदर वो वल्नरेबिलिटी जो है वो रह जाती है अगर आप उस पर्टिकुलर पैच को इंस्टॉल नहीं करते हैं, यानी एक लूप होल क्रिएट हो जाती है जिस बैकडोर से वो अटैक होगी आपकी टारगेट सिस्टम और आपकी सिस्टम जो है वो कंप्लीटली हैकर्स के द्वारा हैक किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग हर महीने सेकेंड ट्यूजडे ऑफ एवरी मंथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की पैच रिलीज करती है और आपको अपने उस टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8 और विंडोज 10 के लिए जरूर आपको इंस्टॉल करनी चाहिए। विंडोज 7 एंड ऑफ लाइफ हो चुकी है, लेकिन माय डियर फ्रेंड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कोई भी केवी नंबर को इंस्टॉल करने में ऑन द टारगेट सिस्टम, तो आपको यूज करना चाहिए रीसेट विंडोज अपडेट टूल। यस माय डियर फ्रेंड, एक तरह की टूल है जिसे आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने विंडोज के कॉम्पोनेंट को, विंडोज अपडेट की जो कॉम्पोनेंट है उसे आप डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम क्या होती है कि जब आप कोई भी केबी पैचेज को डाउनलोड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साइट से और इंस्टॉल करते हैं तो सम टाइप ऑफ कोड जनरेट कर देती है ड्यू टू दिस एरर, जो विंडोज की पैचेज है वो इंस्टॉल नहीं हो सकती है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि सर बहुत सारी विंडोज अपडेट की जो सर्विसेज है, लाइक विंडोज अपडेट खुद की एक सर्विस है, बिट्स की सर्विस है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जैसे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नाम से भी सर्विस होती है, उस सभी सर्विसेज को हम लोग जो है रीस्टार्ट करते हैं और देन ट्राई करते हैं कि हमारी जो विंडोज अपडेट की जो पैचेज है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए, लेकिन तब भी वो पैचेज जो है इंस्टॉल नहीं हो पाती है। तो ऐसे में चलिए आइए देखते हैं लैब में कि रीसेट विंडोज अपडेट टूल किस तरह से डाउनलोड करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये रीसेट विंडोज अपडेट टूल कई सारी लैंग्वेजेज में अवेलेबल है, लाइक इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश और इटालियन वगैरह में भी अवेलेबल है, पुर्तगीज में भी अवेलेबल है, तो कई सारी लैंग्वेज के रूप में भी विंडोज अपडेट रीसेट टूल अवेलेबल है। तो चलिए आइए देखते हैं लैब में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए आइए देखते हैं लैब में। सो सिंपली आप देख सकते हैं गाइज, हमारे पास विंडोज 10 की कंप्यूटर है। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को लॉन्च करूंगा और गूगल वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ पे सर्च करने हैं रीसेट विंडोज अपडेट टूल। जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ रीसेट विंडोज अपडेट टूल, और ये एक तरह की रीसेट विंडोज अपडेट टूल आपको डाउनलोड करने हैं अपने उस टारगेट कंप्यूटर पे जिस पे विंडोज सिक्योरिटी पैचेज इंस्टॉल करने में आपको दिक्कतें आ रही है। सिंपली आप रीसेट विंडोज अपडेट टूल जो फर्स्ट लिंक दिख रही है technet.microsoft.com, इसे आप माइक्रोसॉफ्ट के साइट से ही डाउनलोड और इंस्टॉल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। कोई भी टूल अगर माइक्रोसॉफ्ट के साइट से डाउनलोड करते हैं तो वो एक ट्रस्टेड साइट है जहां से आप इस तरह के टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी एक लाइसेंस एग्रीमेंट है जिसे आपको आई एग्री पर क्लिक कर डाउनलोड करने होंगे, क्योंकि कुछ तरह की रजिस्ट्री मॉडिफिकेशन होती है जो आपके कंप्यूटर में सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होती है। तो रजिस्ट्री सेटिंग्स की मॉडिफिकेशन को ही यहाँ पे अलाउ करने के लिए कुछ वार्निंग थे जो आपको आई एग्री पर क्लिक करने पड़े। यहाँ पे सिंपली आप जो विंडोज अपडेट रीसेट वाली जो जिप फाइल है
उसे आप सिंपली विनरार सॉफ्टवेयर के मदद से अनजिप करें या जिप फाइल है राइट क्लिक करके भी आप उसे एक्सट्रैक्ट कर अनजिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की exe फाइल होती है विंडोज अपडेट रीसेट टूल की, एक है 64.exe और एक है x86.exe। तो यहाँ पे सवाल ये आती है कि हमें कौन सी वाली जो है आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे सिस्टम टाइप में जाकर, दिस पीसी के राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में यहाँ पे चेक कीजिए कि 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको सिस्टम टाइप में दिख रही है तो यहाँ पे 64.exe वाले विंडोज अपडेट रीसेट टूल को लॉन्च करें। अदरवाइज अगर आपको सिस्टम टाइप में 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम दिखती है तो आप x86 को लॉन्च करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो जोन सा भी आप लॉन्च करें यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, जैसा कि हमारे केस में 64, और राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से जब आप लॉन्च करेंगे इसे विंडोज अपडेट रीसेट टूल को, जैसा कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज फॉन्ट में जाके लुसीडा कंसोल जो मेरी फेवरेट फॉन्ट है कमांड प्रॉम्प्ट के लिए वो मैं 20 साइज के ऊपर सेट कर दिया ताकि आपको सही से दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली कि जो रीसेट विंडोज अपडेट टूल है ये कई सारी लैंग्वेजेज में अवेलेबल है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक वगैरह में। मैं यहाँ पे 0 करके इंटर किया और यहाँ पे कुछ वार्निंग मैसेज है जो बता रही है कि कुछ तरह की रजिस्ट्री सेटिंग्स होती है रीसेट विंडोज अपडेट टूल को यूज करने के लिए, ताकि आपकी जो सिस्टम वल्नरेबिलिटीज के ऊपर सिक्योरिटी पैचेज नहीं इंस्टॉल हो रहे हैं तो उसे विंडोज अपडेट कंपोनेंट को रीसेट किया जा सके। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 18 ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ पे नंबर 2 वाली जो ऑप्शंस हैं, 18 ऑप्शंस में नंबर 2 वाली जो ऑप्शंस है रीसेट्स द विंडोज अपडेट कंपोनेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको इसके अंदर सिस्टम प्रोटेक्शन, टेम्पररी फाइल डिलीशन, सीएचके डीएसके और भी कई सारी जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जस्ट प्रेस 2 करें और इंटर की प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी विंडोज अपडेट की सर्विस है वो सबसे पहले स्टॉप हो रही है, क्रिप्टोग्राफी की सर्विस। और यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन बैकअप कॉपीज, यानी कि यहाँ पे आप समझिए कि विंडोज के अंदर सी ड्राइव विंडोज के अंदर एक फोल्डर होती है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, और वो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन ही जो है वो आपके विंडोज पैचेज को कंटेन करती है ताकि वो इंस्टॉल हो सके अपडेट के टाइम पे। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कई सारी जो विंडोज अपडेट के कॉम्पोनेंट होते हैं स्टोर, उसे ये रीसेट कर रही है, एक बैकअप कॉपीज क्रिएट कर रही है जो भी पुरानी वाली विंडोज के अंदर आप जा सकते हैं सी ड्राइव विंडोज के अंदर। और विंडोज के अंदर आप यहां पे देख सकते हैं कि एक तरह की सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नाम की जो फोल्डर होती है इसकी एक बैकअप कॉपी ये क्रिएट कर रही है। इसमें कुछ टाइम लगते हैं, जैसे कि 5-10 मिनट यू हैव टू वेट हेयर टू क्रिएट द न्यू सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन बैकअप कॉपीज। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि सिंपली कुछ प्रोसेस हो रही है विंडोज रीसेट अपडेट विंडोज अपडेट टूल में। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन की एक अलग से एक फोल्डर जनरेट होगी जो कि न्यूली होगी, और वो हमारे आज के डेट में, जैसा कि आप हमारे बॉटम एरिया में देख सकते हैं 24th of December 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, आज के डेट में आप देखें कि यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नाम से एक फोल्डर बनेगी। जिस डेट में भी आप रीसेट विंडोज अपडेट टूल को रन करवाएंगे उस डेट में सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नाम से एक फोल्डर बनेगी, और सारी की सारी ऑनरशिप जो है वो आपके करेंट जो लॉग्ड इन यूजर अकाउंट है उसके ऊपर रहेगी, ताकि विंडोज अपडेट कंपोनेंट जो है वो स्मूथली काम कर सके। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो है एक तरह की सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है नई जनरेट हुई है जिसमें आपकी विंडोज अपडेट के कंपोनेंट होते हैं। विंडोज अपडेट की जो कंपोनेंट है वो यही सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन वाले फोल्डर के अंदर होती है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि जो भी सर्विसेज स्टॉप हुई थी फर्स्ट टाइम में वो अब धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आप देखें कि विंडोज अपडेट की सर्विस स्टार्ट होगी, बीट्स की सर्विस स्टार्ट होगी, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस स्टार्ट होगी, और भी कई सारी जो है ऐसी सर्विसेज स्टार्ट होती है जो भी रिक्वायर्ड सर्विस होती है। यहाँ पर सिंपली एक मैसेज आती है द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। कोई भी की आप प्रेस करेंगे फिर से आप उसी मेनू वाले स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नाम से एक फोल्डर बन जाती है जो कि मैनुअली जहां हम लोग ये काम करते थे जब किसी तरह की पैचेज को इंस्टॉल करने में दिक्कतें आती थी। तो यहां पे देखिए कि सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन 24th ऑफ दिसंबर के डेट में बन चुकी है, जो 24th दिसंबर के डेट में मैंने चलाया था। जिस डेट में भी आप रीसेट विंडोज अपडेट टूल को चलाएंगे उस डेट में ये सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नाम से एक फोल्डर बना देती है, और इसकी ऑनरशिप जो है आपके नाम होती है, यानी लॉग्ड इन यूजर के नाम, जो भी करेंटली लॉग्ड इन यूजर हैं, ताकि विंडोज अपडेट की जो कॉम्पोनेंट है वो सही तरीके से
से चल सके सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के फोल्डर से। यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे विंडोज अपडेट और विंडोज अपडेट के सेटिंग में जाकर अगर आप चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे क्लिक किया, जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज अपडेट जो है वो बता रही है यू आर अप टू डेट, लेकिन चेक फॉर अपडेट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी जो विंडोज अपडेट कॉम्पोनेंट है वो सही तरीके से परफॉर्म करने लगती है, या आप चाहे तो ऑटोमेटिक विंडोज के सिक्योरिटी पैचेज को विंडोज अपडेट के मदद से इंस्टॉल करें या मैनुअली डाउनलोड कर के भी पैचेज को इंस्टॉल करें, वो जरूर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो पाएगी आपकी विंडोज पैचेज। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी जो क्रेडिट है वो मैनुअल एफ गिल को जाती है और आप देख सकते हैं कि इनको बहुत सारी पॉइंट्स मिल चुकी है, यानी ये एक तरह से ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रीसेट विंडोज अपडेट टूल जरूर ध्यान में रखें और किसी भी तरह की विंडोज अपडेट को सॉल्व करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।